नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। आज मैं आपको गार्डन की सैर कराने वाली हूँ, पर मेरे नहीं, मैं भोपाल आई हुई थी। तो भोपाल में जो मामा मम्मी रहते हैं उनके जो है गार्डन का जो है मैं ओवरव्यू आपसे शेयर करने वाली हूँ। देखिए कितना खूबसूरत जो है इन्होंने हैंगिंग बास्केट का, देखिए कितना अच्छा ये गार्डन बनाया है। घर के सामने ही बिल्कुल छोटा सा ऐसे गार्डन बनाया है, और आप देख सकते हो गार्डन के दोनों साइड में जैसे ये इस तरह के देखिए एंगल लगा के उसमें छोटे छोटे हुक लगा के जो है इसमें हैंगिंग बास्केट को जो है हैंग किया है, और गार्डन के जैसे दोनों तरफ इनको लगाया है, एक उस साइड और एक इस साइड, और जो आगे से जो है दोनों साइड से इस तरह से जगह खाली रखी है। और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है इसमें हैंगिंग प्लांट्स लगाए हैं। तो वो हैंगिंग प्लांट्स भी जो है मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन से हैंगिंग प्लांट जो है इसमें लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए सिरेमिक की ये बास्केट है, इसमें बॉन्डरिंग जो लगा है, ये इंजॉय पोथोस है और कई तरह के मनी प्लांट है। देखिए सीडम को इस तरह की बास्केट में लगाया है, और ये भी शायद ये पेडरेंथस की एक वैरायटी है, ये हैंगिंग बास्केट वाली और ये मनी प्लांट। काफ़ी सारे जितने भी हैंगिंग प्लांट्स होते हैं सारे हैंगिंग प्लांट्स की वैरायटीज़ को जो है इनमें लगाया है। सीडम ग्रास है, बेबी टीयर है, एस्पेरेगस है, देखिए बहुत सुंदर लग रहे हैं। और सीडम ज़्यादा से ज़्यादा लगाए क्रीपिंग चार्ली है, रिबन ग्रास है, एक और ये ग्रास है, और ये स्वीट पोटैटो वाइन है, काफ़ी सुंदर सुंदर। और देखिए ये पर्सलिन है, पर्सलिन अभी इनके यहाँ काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ये टर्टल वाइन है। मैंने हैंगिंग बास्केट को काउंट तो नहीं किया है, पर ये 150 से ऊपर ही मतलब ये हैंगिंग बास्केट होगी। देखिए पर्सलिन, और इधर ये वॉन्डरिंग जियो एयर, स्वीट पोटैटो वाइन है, और सीडम ज़्यादा से ज़्यादा लगा है जितने भी। और देखिए टर्टल वाइन काफ़ी खूबसूरत है, ये जैसे मिनी वाली लग रही है। तो काफ़ी सारे जो है ये इन्होंने हैंगिंग बास्केट को लगा के रखे, देखिए कितने खूबसूरत लगे लग रहे हैं। और इस तरह के जो है आइडियाज़ भी हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हमारे यहाँ जैसे हैंग करने के लिए जगह नहीं है तो इस तरह के जैसे ये एंगल होते हैं इनको हम लगा के उस पर भी जो है हम काफ़ी सारे जो है हैंगिंग बास्केट को हैंग कर सकते। और मैंने अपने गार्डन में भी जो है इस तरह के एंगल को हैंग करके जो है हैंगिंग बास्केट को लटकाया है, आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही बढ़िया जो है आइडिया है, अगर आप भी चाहते हो इस तरह के हैंगिंग बास्केट लगाना तो इस तरह से आप भी जो है पाइप या कुछ भी जैसे इस तरह से आप लगा सकते हो, या आप लकड़ी का भी जैसे बना सकते हो, या फिर इस तरह से जो बांस आते हैं बांस का भी, और इस तरह से आयरन के जो रॉड होते हैं उस पर भी इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट को हैंग कर सकते हो, काफ़ी सुंदर लगते हैं। इधर ये सारे तरह के जो है पोथोस लगाए हैं, जितने भी वैरायटीज़ के मनी प्लांट है, सिंगोनियम के प्लांट्स हैं, और काफ़ी सारे जितने भी हैंगिंग बास्केट की जो वैरायटी के प्लांट्स हैं सभी जो है इनमें लगाई है। देखिए कितनी खूबसूरती से ट्रंक के ऊपर जो है इस तरह से हैंगिंग बास्केट का जो है लटका दिया। ये पर्पल टर्टल वाइन है, छोटे से बास्केट में लगा, ये सिरेमिक की बास्केट है, और देखिए ये कितनी सुंदर इसमें क्रीपिंग चार्ली को इस तरह से रख दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इधर नीचे देखिए वॉन्डरिंग जू, इधर ये बेबी टीयर, ऊपर में भी देखिए वॉन्डरिंग जू को इस तरह से लगा दिया है क्रीपिंग चार्ली। देखिए छोटे से बास्केट में ये सीडम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें जो है सारे इन्होंने हैंगिंग बास्केट को लगा के नीचे में भी इस तरह से वॉन्डरिंग जू को रख दिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। टैंगल हार्ट को भी लगा दिया है, इधर अरेका पाम को जैसे रखा है पाम के प्लांट्स को, और देखिए एक साथ जो ये पॉट रखे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इनमें जो है रिबन ग्रास को लगा है, और ये फाइलोडेंड्रॉन को एक साथ लगा दिया, ये सिंगोनियम है, सिंगोनियम की बहुत ही खूबसूरत वेराइटी है, और इधर ये कैलाथिया है, ये प्रेयर प्लांट है। और इस तरह के स्टैंड में भी देखिए सिंगोनियम के प्लांट्स लगाए हैं, कैलाथिया, रिबन ग्रास, इधर ये पिंक कलर का सिंगोनियम, इधर सारे ड्रेसिना है, और ये आप देख रहे हो यूफोरबिया मिली, बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इधर सारे ड्रेसिना के प्लांट है, कुछ यहाँ पर जो है कैलाथिया, देखिए कितनी ये कैलाथिया की वेराइटी है, कैलाथिया की इनके पास में 3-4 वेराइटीज़ है, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। फाइलोडेंड्रॉन है, इधर ये भी कैलाथिया ही है, और ये देखिए रेड पत्ती वाला, तो एक साथ लगाए हुए ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनको जो है डिवाइड करके हम काफ़ी सारे जो है इनके प्लांट्स हम रेडी कर सकते हैं। एक भी प्लांट हम ले आते, देखिए ये कोलिस का कलर भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, अगर एक भी ले आते तो एक से जो है हम ढेरों इनके जो है प्लांट्स तैयार कर सकते, डिवाइड करके जो है इनको लगाना होता है। तो बहुत ही खूबसूरत, देखिए यहाँ पर सारे क्रोटॉन रखे, और ये बर्ड ऑफ पैराडाइज ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और इधर सारे जो है क्रोटॉन के प्लांट्स रखे हैं, ये भी सारे जो है शायद
कटिंग से ही रेडी किए हैं। और इधर ये बॉस्टन फर्न बहुत खूबसूरत लग रहा है, देखिए इस तरह से ये इन्होंने प्लांट्स को ऐसे स्क्वायर में जमा दिया है। ये जो आप देख रहे हो ये है रेक्स बिगोनिया, इसमें काफ़ी सुंदर जो है फ्लावरिंग हो रही है, बड़े से सिरेमिक के पॉट में लगे हैं। और देखिए विद्या का प्लांट, कोडलाइन प्लांट, और देखिए यहाँ पे कितना सुंदर ये केज रखा है। इसमें भी देखिए छोटा सा प्लांट लगा है, उसमें इंजॉय पोथोस को लगा दिया है। इधर सारे ये कैलाथिया के प्लांट्स हैं, नीचे में सारे जो है फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा दिया है। और ये एक प्लांट से जो है काफ़ी सारे, और ये दो जो पॉट देख रहे हो इसमें लोटस के प्लांट्स लगाने के लिए वो रखे हैं पॉट। तो देखिए इस तरह से जो है गार्डन को इसमें प्लांट्स को लगा दिया है। और इधर ये सिरेमिक के देखिए छोटे छोटे उसमें ये पाम लगे हुए हैं, इधर ये झेंडू प्लांट है, और इधर स्नेक प्लांट है, इधर ये कैलाथिया है, जेबरीना कैलाथिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये भी बैम्बू का है। इधर ये देखिए जरबेरा, काफ़ी अच्छी पॉइंट सेटिया, और इधर ये लेडी पाम, ये जो पैन पाम है, और ये देखिए झांडू प्लांट्स, और ये एल्यूमिनियम, और देखिए इम्पेशेंट, ये जो बालसम है चाइनीज़ इम्पेशेंट, इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस साइड सारे सिरेमिक के पॉट रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छे से, और इधर है टेराकोटा पॉट में जो है रिबन ग्रास को लगा दिया। तो ये था फ्रेंड्स पूरे गार्डन का ओवरव्यू, काफ़ी सारे जो है वेराइटीज़ के प्लांट्स लगे हैं, मतलब इसमें से काफ़ी सारे जो है प्लांट्स मेरे गार्डन में हैं, कुछ जो नहीं थे तो उनकी कटिंग्स जो है मैं लेकर आ गई थी। तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरती से जो है गार्डन को इन्होंने सजाया है, काफ़ी बढ़िया से जो है अरेंज किया है, हैंगिंग बास्केट को भी बहुत ही खूबसूरती से जो है लगा दिया है। तो ये आज के गार्डन टूर आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।